go. Ready for the first ball. That'll settle his nerves. Good shot first up. Shouts all round. Yeah! That batsman's out faster than he got in. He's a key player in this batting lineup, but he's out first ball. That's a big wicket. Kartik is about to face their first ball. Yep. And that's four. उनके खत्म हो जाएंगे और पांच हार और चार जीत के साथ वो काफी जो है नीचे चले जाएंगे। कहां
यहाँ पर नंबर 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला कहेंगे, जाहिर सी बात है नो डाउट ये फुल तरह से हाई वोल्टेज मुकाबला है। स्टार से भरी टीम है मुंबई इंडियंस के, दिल और धड़कन यानी कि जो रोहित शर्मा है, जी हाँ दोस्तों कप्तान, जो भविष्य में जो है भारत के कप्तान बनने वाले हैं, और दो राय इसमें कोई नहीं है। ज्यादातर मैं आपसे पूछूं क्या रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो आप में से 99% शायद कहेंगे हाँ सर वही होंगे, क्योंकि उनसे बेहतर कोई कप्तान इस समय नजर नहीं आ रहा। KL राहुल की काफी उम्मीदें थी, लेकिन KL राहुल की जिस प्रकार के परफॉर्मेंस आपने पंजाब के लिए देखा वो काफी ज्यादा निराशाजनक था, कि वो अक्सर मैचेस को जहां पर फिनिश करना चाहिए वहां पर फिनिश नहीं करते और ज्यादा लंबा खींचते हैं, जिसकी वजह से पंजाब को जो है बार बार हार का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि मैच को किस मोड पर लेके जाना है, किस मोड पे खत्म करके बाद ही पता चलेगा, करते हैं कि उसी जो जोश में जो है ये आगे के मैचेस खेलते रहे। ओवरऑल मैंने आपको दोनों ही टीम्स के की प्लेयर्स बता दिए, अब आप लोग इसके बेसिस पर अपनी अच्छी सी फैंटेसी टीम तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको डाउट है कि किसको टीम में रखना है किसको नहीं रखना, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है दोस्तों ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको एक्सपर्ट्स द्वारा फैंटेसी टीम प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप हमारे पुराने मेंबर है देन यू नो कि यार हमारी टीम से लोग जो है काफी अच्छी खासी विनिंग्स कर रहे हैं। तो आप लोग यार किसका इंतजार कर रहे हो, अभी के अभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप में से जिसको भी इस मैच की एकदम श्योर विनर और सेशन रिपोर्ट चाहिए तो वो लोग हमें जो है दोस्तों टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आप रोजाना हमारे चैनल पर लाइव मैचेस देख सके बॉल बाय बॉल कमेंट्री के साथ। काफी लोगों ने हमें जस्ट अभी कुछ मिनट पहले ही ज्वाइन करा है, तो एक बार मैच का ओवरव्यू जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट के साथ। देखा जाए तो आज का ये पिच बल्लेबाजी करने के लिए काफी अच्छा है, और मुझे लगता है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो 20 ओवर में 160 के आसपास का स्कोर बना देगी। आप लोगों को क्या लगता है फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन बनेंगे कमेंट में जरूर बताना। लेट्स सी आप में से किसका प्रिडिक्शन जो है सही साबित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके का ये पिच है इसके ऊपर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगी या फिर स्पिनर्स को। तो दोस्तों जितना मैंने पिच को ध्यान से ऑब्जर्व करा है, एनालाइज करा है, आई थिंक आज के इस मैच में जो है पेसर्स को काफी ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। और बात रही विकेट्स की, तो शायद 7 से 8 विकेट जो है तेज गेंदबाजों को मिलेगी और 3 से 4 विकेट जो है स्पिनर्स को मिलेगी आज के इस मुकाबले में। आपको बता देता हूं दोस्तों कि शेख जैयद स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाने वाला है, और लास्ट ईयर जब IPL खेला गया था UAE में तो हमने एक चीज जो ऑब्जर्व करी थी स्पेशली इस स्टेडियम में कि यहाँ पर जो बॉल है दोस्तों वो थोड़ा फंस कर आता है, यानी कि बल्लेबाजों के लिए लिटरली काम थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और हो सकता है कि हमें ये एवरेज। तो देखते हैं यार बारिश जो है मैच में आएगी या नहीं आएगी, और आगे मैं आप लोगों के साथ जो है दोनों ही टीम्स के रीसेंट फॉर्म के बारे में जो है डिस्कशन करूंगा, ताकि आप लोग प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन आज का ये मुकाबला जीतने वाला है, और दोनों ही टीम्स के की प्लेयर्स भी आपको बताऊंगा ताकि आप लोग अपनी अच्छी सी फैंटेसी टीम तैयार कर सकें। तो आप लोगों को सबसे पहले मुंबई के अगर पिछले 5 मुकाबलों के बारे में बताऊं, तो इस टीम ने जो पिछले 5 मुकाबले खेले हैं उसमें से 3 मैचेस में जो है इस टीम को हार मिली है, 2 मैचेस में जीत मिली है, यानी कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा गिर गया है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, तो इस टीम ने जो पिछले 5 मुकाबले खेले हैं उसमें से 3 मैचेस में जो है कोलकाता को भी हार मिली है और 2 मैचेस में जीत मिली है, यानी कि दोनों ही टीम्स का जो भी रीसेंट फॉर्म है वो काफी अच्छा चल रहा है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस तरीके से सेकंड हाफ में RCB को हराया, ऐसा लग रहा है कि इस टीम ने जो है वापसी कर ली है। और अगर आज के इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स जीतता है तो वो सीधा दोस्तों 4th नंबर पर आ जाएगा पॉइंट्स टेबल में, यानी कि प्ले ऑफ की रेस में जो है कोलकाता आगे निकल जाएगा और मुंबई इंडियंस जो है दोस्तों 5वें नंबर पर आ जाएगी। तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि KKR किस तरीके से जो है आज के इस मैच में परफॉर्म करती है। और आप में से जिसको भी इस मुकाबले की एकदम श्योर प्रिडिक्शन चाहिए और सेशन रिपोर्ट, तो आप हमें जो है दोस्तों जल्दी से टेलीग्राम पर मैसेज करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बता दूं कि जो मैंने प्रीवियस मैचेस की रिपोर्ट प्रोवाइड करी थी दोस्तों वो सारी हमारी पास हुई है, तो आपको भी अगर एकदम श्योर रिपोर्ट के साथ खेलना है तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दोनों ही टीम्स के जो की प्लेयर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मुंबई इंडियंस के की प्लेयर्स की, जिसमें पहला नाम दोस्तों यहाँ पर है ट्रेंट बोल्ट का।
अभी तक दोस्तों ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कराई है, पिछले साल भी काफी अच्छी गेंदबाजी कराई थी और इस सीजन जितने मैचेस खेले गए हर मैच में गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही है। पावर प्ले में विकेट निकालना इनकी खासियत है, तो उम्मीद है कि आज के इस मैच में भी जो है इनको सफलता मिलेगी। इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम के जसप्रीत बुमराह जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, इनको भी हर मैच में सफलता मिलती है और आज के इस मैच में आई थिंक एक बार फिर जो है जसप्रीत बुमराह का हमें दबाव जो है देखने को मिलने वाला है। इसके बाद तीसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम के रोहित शर्मा जो कि पिछले मैच में नहीं खेले थे और शायद हो सकता है कि आज के मैच में भी ना खेले, वो तो हमें प्लेइंग 11 के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूं कि वो खेले क्योंकि मुंबई इंडियंस को जीत की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर आज का ये मुकाबला मुंबई हारी तो भाई जो टॉप 4 है वहां से ये टीम जो है नीचे आ जाएगी। इसके बाद दूसरी टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर की प्लेयर्स की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है एंड्रे रसल का जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इनका जो फर्स्ट हाफ है कुछ खास गया नहीं था, बॉलिंग बहुत ही अच्छी कराई है लेकिन बैटिंग कुछ खास करी नहीं थी और पिछले मैच में भी जो है दोस्तों गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही थी एंड आई थिंक आज के इस मैच में इनका जलवा देखने को मिलेगा क्योंकि एक तरफ है एंड्रे रसल दूसरी तरफ है केरन पोलार्ड, तो देखते हैं यार कौन सा पावर हिटर आज के इस मुकाबले में चलता है। इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम के वरुण चक्रवर्ती जो कि बेहतरीन गेंदबाज है, मिस्ट्री स्पिनर है और अभी तक इनको हर मैच में सफलता मिलती आ रही है, पिछले मैच में अपनी टीम के लिए किफायती गेंदबाजी कराई थी। उम्मीद है कि आज के इस मैच में भी उसी अंदाज में ये जो है हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद तीसरे और आखिरी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम के शुभमन गिल, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, ओपनिंग करते हैं कोलकाता के लिए। फर्स्ट हाफ कुछ खास गया नहीं था लेकिन सेकंड हाफ की शुरुआत इनके लिए बहुत ही अच्छी रही है, उम्मीद करते हैं कि उसी जो जोश में जो है ये आगे के मैचेस खेलते रहें। ओवरऑल मैंने आपको दोनों ही टीम्स के की प्लेयर्स बता दिए, अब आप लोग इसके बेसिस पर अपनी अच्छी सी फैंटेसी टीम तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको डाउट है कि किसको टीम में रखना है किसको नहीं रखना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है दोस्तों ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको एक्सपर्ट्स द्वारा फैंटेसी टीम प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप हमारे पुराने मेंबर हैं देन यू नो कि यार हमारी टीम से लोग जो है काफी अच्छी खासी विनिंग्स कर रहे हैं, तो आप लोग यार किसका इंतजार कर रहे हो, अभी के अभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप में से जिसको भी इस मैच की एकदम श्योर विनर और सेशन रिपोर्ट चाहिए तो वो लोग हमें जो है दोस्तों टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना ताकि आप रोजाना हमारे चैनल पर लाइव मैचेस देख सके बॉल बाय बॉल कमेंट्री के साथ। काफी लोगों ने हमें जस्ट अभी कुछ मिनट पहले ही ज्वाइन करा है तो एक बार मैच का ओवरव्यू जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट के साथ। देखा जाए तो आज का ये पिच बल्लेबाजी करने के लिए काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो 20 ओवर में 160 के आसपास का स्कोर बना देगी। आप लोगों को क्या लगता है फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन बनेंगे कमेंट में जरूर बताना। लेट्स सी आप में से किसका प्रिडिक्शन जो है सही साबित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके का ये पिच है इसके ऊपर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगी या फिर स्पिनर्स को। तो दोस्तों जितना मैंने पिच को ध्यान से ऑब्जर्व करा है एनालाइज करा है आई थिंक आज के इस मैच में जो है पेसर्स को काफी ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। और बात रही विकेट्स की तो शायद 7 से 8 विकेट जो है तेज गेंदबाजों को मिलेगी और 3 से 4 विकेट जो है स्पिनर्स को मिलेगी आज के इस मुकाबले में। आपको बता देता हूं दोस्तों कि शेख जयद स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाने वाला है और लास्ट ईयर जब आईपीएल खेला गया था यूएई में तो हमने एक चीज जो ऑब्जर्व करी थी स्पेशली इस स्टेडियम में कि यहाँ पर जो बॉल है दोस्तों वो थोड़ा फंस कर आता है, यानी कि बल्लेबाजों के लिए लिटरली काम थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और हो सकता है कि हमें ये एवरेज स्कोरिंग मैच जो है देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वेदर रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त शेख जयद स्टेडियम में जो टेम्परेचर है फिलहाल 33 डिग्री है, यानी कि काफ़ी गर्मी है। लास्ट ईयर भी दोस्तों बहुत ही गर्मी थी, इस साल भी दोस्तों सिमिलर सिचुएशन जो है देखने को मिल रही है। बादल हल्के फुल्के जरूर ऐसा माना जा रहा है कि भाई आज के इस मैच में जो है ताकि आप लोग अपनी अच्छी सी फैंटेसी टीम तैयार कर सकें। तो आप लोगों को सबसे पहले मुंबई के अगर पिछले 5 मुकाबलों के बारे में बताऊं तो इस टीम ने जो पिछले 5 मुकाबले खेले हैं उसमें से 3 मैचेस में जो है इस टीम को हार मिली है, 2 मैचेस में जीत मिली है, यानी कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा गिर गया है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो इस टीम ने जो पिछले 5 मुकाबले खेले हैं उसमें से 3 मैचेस में जो है कोलकाता को भी हार मिली है और 2 मैचेस में जीत मिली है, यानी कि दोनों ही टीम्स का जो अभी रीसेंट फॉर्म है वो काफी अच्छा चल रहा है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस तरीके से सेकंड हाफ में आरसी
में खत्म हो गया, क्योंकि ऋषभ पंत को पता था कि भले ही स्कोर लो है लेकिन हमें काम करना है दो ओवर तीन ओवर पहले, ताकि एक तो हमारे रन रेट में जा पाओ, दूसरी तरफ हम पे ज्यादा दबाव ना बने। आखिरी ओवर तक अगर आप मैच ले जाते 10 रन 5 रन 3 रन तो भी आदमी के ऊपर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि विकेट होने के कुछ मतलब नहीं होता, लास्ट में गेंदे और रन काउंट किए जाते हैं। अगर 4 गेंद 3 रन 3 गेंद 1 डॉट हो गए तो 3 पे 2, 2 पे 3, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है गाइस। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है मैचेस में और मैचेस के नतीजे में, और ये तो आप देख ही सकते हैं कि जो पंजाब के नतीजे वो काफी डिसअपॉइंटेड करते हैं। जाहिर सी बात है बहुत अच्छे लगते हैं, फैंस हैं हम सभी लोग, पंजाब की टीम में काफी बड़े बड़े नाम है, दीपक हुड्डा जैसा नाम है, क्रिस गेल जैसा नाम है, केएल राहुल है, मयंक अग्रवाल इतना शानदार बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करी है, और उसके बावजूद जो टीम हार गई, 8 विकेट हारते निकोलस पुरन थे, उसके बावजूद पता नहीं कैसे ये हार रहे, ये कहीं ना कहीं कप्तानी की गलती थी। इसलिए आज का जो मुकाबला वो तो कप्तान है भाई, रोहित शर्मा कप्तान है अपने भारत के आने वाले भविष्य में, सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के बाद जो है यहाँ पे रिजाइन देंगे हमारे विराट कोहली, और विराट कोहली के बाद ये पद संभालने का एकमात्र जो सबसे मजबूत खिलाड़ी है वो है रोहित शर्मा। 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है, तो ये बंदे में बहुत दम है। रोहित शर्मा हिटमैन शर्मा के नाम से जानते हैं, मुंबई विल विन। देखिए यहाँ पे तरियन जो है अहमद जी बोल रहे हैं कि मुंबई जीतेगी, जाहिर सी बात है मुंबई के लिए देखिए परसेंटेज भी यहाँ पे बहुत है गाइस। देखिए भले आप केकेआर के लिए काफी कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने पोलिंग किया है यहाँ पे 126 लोगों ने वोट किया, जिसमें 37% लोग केकेआर के फेवर में कर रहे हैं, और 63% जो है अभी चाहे शुरुआत है वोटिंग की, अभी तो 9 मिनट हुए हैं, तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल लंबा समय है। देखेंगे हम इस पोलिंग में कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है गाइस, और अपनी अपने इनाम के लिए जिया दावेदारी पेश कीजिए। करना क्या है, सिर्फ कमेंट करना, बताना है कि आपकी कौन सी टीम मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप केकेआर को कर रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सी टीम जो है मुकाबले में हावी है, कौन सी टीम जो है मुकाबले को जीत रही है, बस आपको करना है कमेंट। कमेंट करने के बाद हम आपको जो है चुनेंगे, 3 लोगों को चुना जाएगा, और मिल सकता है आपको 100 अपनी फेवरेट टीम की जर्सी, हो सकता है आपको बैट मिल जाए, क्या पता आपको गेंद मिल जाए, तो खेलिए। समय जो है विंटर सीजन आने वाला है गाइस, उसके बाद तो बस मैदान पे देखेंगे, बारिश का बहुत ज्यादा हो गया था इस बार, काफी बारिश हुई है, हर राज्य में बारिश हुई है, तो आज ये मुकाबला बहुत हाई वोल्टेज होगा, और इस मुकाबले को हम आपको लाइव कमेंट्री के साथ मिलेंगे स्टेडियम में। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे आपको जो है घर बैठे लाइव जिया दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, तो इस मैच को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करो गाइस, आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करें, और आज का टारगेट कल का टारगेट आपने